हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास में हम आपको बताएंगे कि एक डैड फोन स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करना होता है। ठीक है, एक डैड फोन कैसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना है, कैसे एक डैड फोन बनाना है, कैसे फॉल्ट को फाइंड करना है कि कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फोन ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, तो सब कुछ जानेंगे आज की डिटेल में। आपका प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन, सेकेंड प्राइमरी लाइन, सारा का सारा डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए आज की वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एडवांस सीखना चाहते हैं तो अभी अभी हमारा नेट का बैच जो है वो शुरू हुआ है 1 तारीख से, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। या फिर मॉर्निंग में सीखना चाहते हैं तो 10 तारीख को हमारा नया बैच शुरू होगा, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाते हैं मात्र 2786 रुपए की फीस में। तो एक मरतबा हमसे जुड़ के जरूर देखिएगा, और जिंदगी भर यानी लाइफ टाइम का आपके साथ क्या है, हम सपोर्ट शेयर करते हैं। ठीक है, तो खैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं, तो बने रहिए आज की वीडियो में हमारे साथ। ओके, तो देखिए सबसे पहले कोई भी डैड फोन आपके पास में आता है, कोई भी डैड फोन आपके पास में आता है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, क्या चेक नहीं करना है, यही सारा का सारा हम देखेंगे। हमारे पास एक रेडमी का 8A फोन है। ये रेडमी का क्या है, 8A फोन है। इसमें जो आईसी लगी हुई है PM 439 लगी हुई है कॉलकम की। ठीक है, इसका हम बूट सिक्वेंस, सारा बूट सिक्वेंस हम आपको पढ़ाते हैं आईसीयू का क्लासेस में, तो वहाँ की बात अलग है। फिलहाल यहाँ पे जो सिखा रहे हैं आप वो सीख सकते हैं। मैं जितना आपको फ्री में सिखाता हूँ, मेरे हिसाब से फ्री की लायक बहुत है वो। ठीक है, तो एक डैड फोन आपके पास में आता है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है एक डैड फोन में। ठीक है, सबसे पहले हमें चेक करना होता है फोन में शॉर्टिंग है या नहीं है। बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है चेक करना होता है, अपने बैटरी के जैक पे, बैटरी के जैक पे क्या है हमें चेक करना होता है कि फोन में शॉर्टिंग है या शॉर्टिंग नहीं है। ओके, तो मल्टीमीटर को अपने लगा देंगे हम डायोड मोड पे, डायोड मोड पे लगा देंगे। ये हमारा डायोड मोड लग गया। ओके, एक प्रॉप को ग्राउंड कर देंगे, कहीं भी ग्राउंड कर देंगे। ओके, अब एक प्रॉप से हम क्या है चेक करेंगे इसका जीआर। तो यहां पे 450 GR है, 300+ GR मिलना चाहिए। ओके, एकदम कोई इश्यू नहीं है। अब हम फॉरवर्ड वाइज में चेक करेंगे, प्रॉप को चेंज करके चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमें ओएल मिलना चाहिए या फिर 1000+ GR। तो 1000+ GR यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ भी क्या है एकदम से ओके है, कोई भी बीबैट लाइन में कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी लाइन में कोई भी इशू नहीं है, ओके है एकदम से। ठीक है, बाकी का और भी जीआर आप चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, जैसे कि आपका आईडी का जीआर हो गया, आपका थर्म का जीआर हो गया, ये सारे ओके हैं, ये भी ओके हैं। तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, हालांकि इसमें काफी काम किया हुआ है। आप देखें यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में आपको नजर आ रहा है, ये काफी काम किया हुआ है। यहाँ पे देखें सीपीयू के पास में यहाँ पे काम किया गया है। तो हमारे पास तो ऐसे ही फोन आते हैं जिसमें काफी कुछ काम कर रखा होता है। देखिए यहाँ पे ये सब शील्डें उतरी हुई हैं। बहरहाल आपके पास जो भी फोन आता है, फर्क नहीं पड़ता कि कुछ काम किया गया है नहीं किया गया है, आपको अपने हिसाब से उसको क्या है चेक करना होता है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या है बैटरी कनेक्टर का जीआर चेक करते हैं, शॉर्टिंग चेक करते हैं। ओके, दो चीजें। तीसरी चीज, हम पीसी से पोर्ट चेक करेंगे, पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर हमारा फोन पोर्ट बनाता है, अगर हमारा फोन पोर्ट बनाता है, इसका मतलब होता है कि हमारी पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, सीपीयू एकदम से ओके है। अगर प्रॉब्लम हुई किसी लाइन में या आईसी में या वोल्टेज में तो पोर्ट नहीं बनाएगा। ओके, अगर पोर्ट बनाता है तो हमारी आईसियां ओके हैं। ठीक है, हमारी ईएमसी की प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लैशिंग करके देखेंगे, फ्लैशिंग से नहीं होता है तो ईएमसी की हेल्थ वगैरह डेड हो सकती है। और अगर ऑटो पोर्ट बना रहा है तब भी हमारी ईएमसी का ही फॉल्ट हो सकता है। ओके, तो बहरहाल सबसे पहले हमने जीआर चेक किया, बैटरी कनेक्टर का एकदम से ओके है। आगे बढ़ेंगे और आगे हम जो चेक करेंगे वो अपना क्या है मोटा मोटा, मतलब चेक कर लेंगे पावर आईसी के पास पास में शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, एक बार बीपीएस लाइन का जीआर वगैरह चेक कर लेंगे। ये फॉरवर्ड वाइज है, रिवर्स वाइज में चेक करना है हमें, सॉरी।
यहाँ पे हमें क्या है, ठीक है 350 GR है, सही है तकरीबन, ये वही 350, 300 प्लस रहता है, 350-400। तो BPH का GR वगैरह भी एकदम से ओके है, ठीक है सही है। तो अब हमें क्या करना है, पहले स्टेप में हमने चेक किया शॉर्टिंग भी बैट लाइन पे एकदम से ओके है, कोई शॉर्टिंग नहीं। दूसरे स्टेप में हमें क्या है, PC से पोर्ट चेक करना है, पोर्ट नहीं बना रहा है हमारा फोन, पोर्ट नहीं बना रहा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये DC से हमने देखा तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है, हम क्या करेंगे अब इसमें, इसमें हम अब चार्जर लगाएंगे, ठीक है बैटरी लगा के भी चेक कर सकते हैं, मगर पावर की क्या है शॉर्ट करना पड़ेगी, तो पावर की शॉर्ट नहीं करेंगे हम, क्या है चार्जर लगाएंगे, इसमें चार्जर लगाएंगे और अपने बक वोल्टेज चेक करेंगे कि बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ओके चार्जर लगा दिया हमने, अब हमारी पावर IC, और ये रही हमारी पावर इन्वर्टर हो गया, ये हो गई हमारी पावर IC, ये हमारी पावर IC हो गई। पावर IC पे हम अपने बक वोल्टेज चेक करेंगे कि बक वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ओके DC, अरे DC निकल गया, बक वोल्टेज चेक करेंगे। अब क्या करेंगे, ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड कर देंगे कहीं भी मदरबोर्ड में। ओके ग्राउंड कर देंगे, मल्टीमीटर कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई इशू नहीं है। बक वोल्टेज BPH चेक करेंगे सबसे पहले, BPH ओके होगी तभी बक बनेगा। BPH हमारा एकदम से ओके है, स्टेबल कंडीशन में है, इसका मतलब हमारा BPH एकदम से ओके है और स्टेबल कंडीशन में है। BPH ओके होना चाहिए सबसे पहले स्टेप में, BPH ओके होना चाहिए। ओके BPH ओके है तो BPH पावर IC में जाएगा, तभी पावर IC बक वोल्टेज बनाएगी। तो अब क्या है हमारा बक वोल्टेज चेक करेंगे इन कॉइल्स पे, तो बक वोल्टेज तो बन रहा है देखिए 1.2 वोल्टेज, मगर ये क्या है फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएशन है इसमें, फ्लक्चुएशन है, बक वोल्टेज बन रहा है। यहां देखें यहां देखें 0. मतलब बहुत ही कम वोल्टेज बन रहा है इन कॉइलों पे, और वहां पे क्या है वोल्टेज बन रहा है, तो इस पे भी चेक कर लेते हैं। 0.7 वोल्टेज यहाँ पे है, इस पे भी नहीं बन रहा है, एक कॉइल पे तो नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा होता है मॉडम का वोल्टेज जो है वो क्वालकॉम में ऑन होने के बाद बनते हैं, तो एक कॉइल मॉडम की हो सकती है, इनमें से कोई सी भी, उसको इस्मेटिक से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखें कुछ कॉलम पे वोल्टेज बन रहा है, मगर क्या है फ्लैक्चुएट कर रहा है, अप डाउन हो रहा है, ठीक है अप डाउन हो रहा है। अब देखिए बक वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन होने का मतलब क्या होता है, आपने चेक किया बक वोल्टेज अप डाउन कर रहे हैं, इसमें फ्लैक्चुएशन होने का मतलब है कि फोन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, आपकी बक लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, ये बात एकदम से कंफर्म है, ठीक है। अब ये फ्लक्चुएशन आपका अगर ज्यादा हाई होगा तो जरूर हो सकता है MMC की लाइन में हो, LDO लाइन में शॉर्टिंग कहीं हो, यही मुमकिन है, या बक लाइन में भी शॉर्टिंग मुमकिन है। तो जो कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से लग रहा है कि क्या है हमारी बक लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, ठीक है। ये क्वाइल्स हैं हमारी, ये सारी हमारी क्वाइल्स हैं, ये हमारी बक क्वाइल्स हैं, यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है, देखिए कुछ कॉलम वोल्टेज बन रहा है मगर स्टेबल नहीं है, ये क्या है फ्लक्चुएट कर रहा है, ये स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। एक कॉइल पे नहीं बनेगा, मॉडम की कॉइल पे, ठीक है, और मॉडम की कोई सी भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी इस्मेटिक से देखना पड़ेगा, ये इस पे बन रहा है इसलिए ये तो नहीं है ना, इस पे बन रहा है फ्लक्चुएट कर रहा है, इस पे भी बन रहा है फ्लक्चुएट कर रहा है, इस पे नहीं बन रहा है, तो ये मॉडम हो सकती है। बहरहाल इन दो कॉइलों पर वोल्टेज बन रहा है मगर बहुत ही कम, बहुत थोड़ा सा वोल्टेज बन रहा है, और इस पे भी वोल्टेज बन रहा है मगर इस पे भी क्या है फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब बक वोल्टेज में फ्लक्चुएशन के दो रीजन हो सकते हैं, एक शॉर्टिंग, दूसरा MMC प्रॉब्लम, एक शॉर्टिंग दूसरा MMC प्रॉब्लम। अब सबसे पहले हमने पोर्ट बना के चेक किया था, अगर MMC प्रॉब्लम होती तो ऑटो पोर्ट बना देता, कभी कभी नहीं बनाता है, MMC निकाल के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें काम बहुत सारा किया हुआ है तो हमें क्या है पहले अपनी शॉर्टिंग चेक करनी पड़ेगी, LDO लाइंस में या बक लाइंस में कहीं भी हो सकती है। ओके तो एक मरतबा बाहर निकालेंगे इसको,
और क्या करेंगे इसमें शॉर्टिंग चेक करेंगे, ये शील्ड हटा देंगे। उससे पहले चलते हैं स्मैटिक की तरफ और थोड़ा स्मैटिक से देख लेते हैं। तो स्मैटिक की अगर हम बात करें, ये मैंने एटे का खोल रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका, ओके। तो ये हमारी क्वाइल्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वाइल्स हैं आपकी। इन क्वाइल 6 और 1 7 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वाइल हैं। एक यहाँ लगी है, 8 क्वाइल्स हैं इसमें। कितनी है? 8 क्वाइल्स हैं। तो 8 क्वाइल है, इनमें से आपकी जो मॉडम की क्वाइल है उस पे आपको क्या है, नहीं मिलना चाहिए। मॉडम की क्वाइल पे आपको क्या है, नहीं मिलना चाहिए, बाकी की क्वाइल्स पे मिलना चाहिए। तो पावर आईसी का कोड कॉपी करेंगे डबल क्लिक करके कंट्रोल सी से कॉपी किया। अब स्मैटिक में आके पेस्ट कर देंगे इसको, स्मैटिक में पेस्ट किया, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपकी PM 439 खुल गई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिग्नल्स का है, ओके। हमें क्या है, वोल्टेज में जाना है तो क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। ए बी सी डी करके इसका स्मैटिक अलग अलग दे रखा होता है आईसीयू का, BDD BDD, ठीक है, ये LDO वोल्टेज का है। स्पीकर वगैरह का सेक्शन है, ये भी नहीं है, ग्राउंड का है। और ये है हमारा, ठीक है, ये है। तो यहाँ आप देखें अगर, तो यहाँ पे आपकी पावर आईसी के अंदर, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सिग्नल्स हैं, पीएस होल्ड है, पीएम पावर ऑन रीसेट है। तो इन्हें चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि जब हमारे बक वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है, जब हमारे बक वोल्टेज ही अप डाउन कर रहे हैं तो ये सारे सिग्नल क्या है, अप डाउन करेंगे। तो इनको चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर बक ओके होती तब अपना पीएम पावर ऑन रीसेट चेक करते 1.8 वोल्टेज, या फिर अपना पीएस होल्ड चेक करते। तो इनको चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है जब हमारे फ्लक्चुएशन है बक वोल्टेज में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना चेक कर लेते हैं ए बी सी डी, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हम बात करें, S1 हमारी क्वाइल है, ये S1 मॉडम की क्वाइल है। और ये हमारी है, डबल क्लिक करें, कंट्रोल सी से कॉपी करें और इसको पेस्ट करें लेआउट में आके। तो ये देख ले रहे हैं हम कौन सी क्वाइल है, तो ये वाली हमारी क्वाइल है, बिल्कुल एकदम सही, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। इस पर वोल्टेज नहीं बन रहे थे, ये क्वाइल है, इस पर वोल्टेज नहीं बन रहे थे, ओके। देखिए ये मॉडम की क्वाइल है, और मॉडम में क्या होता है कि आपके कॉलकम में मॉडम वोल्टेज जो है वो आपका ऑन होने के बाद बनता है, ओके। एक मरतबा फिर चेक कर लेते हैं, तो ये हमारी क्वाइल है, ये हमारी कोने वाली, ये वाली क्वाइल है मॉडम की। तो इस पर देखिए आप, वोल्टेज नहीं बनेंगे, इसको हम फिर से पीसीबी में लगाना पड़ेगा, एक मरतबा चेक करा देते हैं आपको, प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका। लोग कहते हैं प्रैक्टिकल से ज़्यादा अच्छा समझ आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल से ही आपको पढ़ाऊँ और समझाऊँ, ओके। तो चार्जर लगा दिया हमने इसमें, ओके। अब यहाँ पे ये रही आपकी आईसी, अब इस पे हम चेक करेंगे वोल्टेज मॉडम के। तो पहले इन पे चेक कर लेते हैं बन रहे कि नहीं। देखिए यहाँ वोल्टेज बन रहे हैं मगर फ्लक्चुएशन है, यहाँ पे ही बन रहे हैं, फ्लक्चुएशन है, यहाँ पे ही बन रहे हैं बहुत ही कम मगर फ्लक्चुएशन है, यहाँ पे भी बन रहे हैं देखिए मगर फ्लक्चुएशन है। इस वाली कॉइल पे नहीं मिलेंगे हमें, देखिए इस वाली कॉइल पे हमें नहीं मिलना, जो जो रीडिंग अभी है वो बाद में है, देखिए क्यों, क्योंकि ये मॉडम की कॉइल है और मॉडम की कॉइल पे क्या है, कॉलकम चिपसेट लगा है, तो उसमें क्या है, ऑन होने के बाद वोल्टेज मिलते हैं, और मीडियाटेक में साथ में ही मिल जाते हैं, मीडियाटेक में पहले मिल जाते हैं, ओके। तो बहरहाल हमने वोल्टेज चेक किए, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है, ओके। बीपीएच एकदम से ओके है, बीपीएच में अगर फ्लक्चुएशन होगा तब भी फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो अब क्या करना है हमें, हमें सारी की सारी शॉर्टिंग चेक करना पड़ेगी, पूरे बोर्ड में शॉर्टिंग चेक करना पड़ेगी, कहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है, ठीक है, कहीं भी
हो सकती है, बक लाइंस में हो सकती है, एलडीओ लाइंस में हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी शील्ड निकालनी पड़ेगी। इसकी शील्ड हटाते हैं, क्योंकि सीपीयू की लाइन में कहीं ना कहीं ये एलडीओ लाइंस हुई आपकी, एलडीओ लाइन भी आपकी खास तौर पे ओ लाइन, वो लाइन शॉर्ट हो सकती है जिनका रोल रहता है फोन के ऑन होने में। सारी एलडीओ लाइंस का रोल नहीं रहता है, बहुत सारी एलडीओ लाइंस फोन के ऑन होने के बाद बनती हैं, वो हम सब डिटेल में पढ़ाते हैं आपको क्लास में। बूट सुकैन जब पढ़ाते हैं तो उसमें पढ़ाते हैं कि कौन सी बाद में बनेगी, कौन सी पहले बनेगी लाइन, सारा का सारा डिटेल में पढ़ाते हैं। फिलहाल इसकी शील्ड हटा देते हैं और फिर देखते हैं, तो कहीं एलडीओ में शॉर्टिंग हो सकती है, बक लाइंस में शॉर्टिंग हो सकती है। और एक बात आपको मैं क्लियरली बताऊं, आपके जहन में आता होगा कि पावर आईसी भी हो सकती है, लेकिन पावर आईसी नहीं। क्यों नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूं नहीं, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर पावर आईसी में प्रॉब्लम होती तो ये वोल्टेज जो बन रहे ना, ये वोल्टेज बनते नहीं, बनते तो बहुत ही कम बनते। ये वोल्टेज सारे जितने बनने चाहिए इन्हें 0.8 0.8 ठीक है, और या फिर 1.8, तो ये 1.2, ये सारे वोल्टेज बन रहे हैं, वोल्टेज बन रहे हैं, मगर वोल्टेज में क्या है, फ्लक्चुएशन है। वोल्टेज बन रहे हैं मगर स्टेबल नहीं हो रहे हैं, ओके, वोल्टेज बन रहे हैं मगर स्टेबल नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो पावर है, पावर आईसी है, वो एकदम से सही काम कर रही है। अब देखिए, एक चीज और भी चेक करा दूं मैं आपको, एक चीज और भी चेक करा दूं। हमने पावर का कोड कॉपी किया था, स्मैटिक में गए थे हम, स्मैटिक में यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा ये बक्स है, पूरी बक है। अब आगे अगर हम देखें स्मैटिक में, यहाँ पीछे चलते हैं, एलडीओ क्लिक कर दिया हमने, तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये वीरेज, ये एलडीओ लाइन है, ये क्या है, से सारी एलडीओ लाइन है, इनमें लगी हुई है सारे कैपेसिटर, कोई भी शॉर्ट हो सकते हैं। वीरेज यानी वोल्टेज रेगुलेट, वीरेज यानी वोल्टेज रेगुलेट, 1.8 वोल्ट, 0.8 वोल्टेज, 2.8 वोल्टेज, ये सारे एलडीओ वोल्टेज है, जरूरी नहीं है ये सारे चेक करना, जरूरी नहीं है। जो आपके मैन वोल्टेज है फोन के ऑन होने में वो चेक करने हैं, वो कौन कौन से हैं ये हम बूट सिक्वेंस में डिटेल में पढ़ाते हैं, ओके। तो अभी फिलहाल हमें क्या चेक करना है, अभी फिलहाल हमें चेक करना है जो, वो है हमारा पीएम पावर ऑन रीसेट। ये वोल्टेज हम चेक कर लेंगे, अपना पीएम पावर ऑन रीसेट हम चेक करेंगे, ठीक है। तो एमआईडी की लाइन है, और ये हमारा एसएमपीएस आ गया, ये हमारा ग्राउंड आ गया, और यहाँ पे देखें तो ये है हमारा पी ऑन यानी पीएम पावर ऑन रीसेट। ये लाइन है जो सीपीयू से निकल के जाती है, सॉरी पावर आईसी से निकल के जाती है हमारी सीपीयू के अंदर, ओके। अब ये लाइन यहाँ आई, ये हमारी चार्जिंग आईसी है, तो चार्जिंग आईसी में भी जाती है ये, चार्जिंग आईसी के लिए क्या है, ये पीएस होल्ड होता है, मगर ये क्वालकॉम में ही जाएगी, ठीक है, मीडियाटेक में नहीं जाएगी, मीडियाटेक में चार्जिंग आईसी के अंदर नहीं जाएगी, पावर आईसी के अंदर तो जाएगी, ओके। तो मिल गया, तो यहाँ पे देखें इस लाइन पे एक कैपेसिटर लगा है, पीएम पावर ऑन रीसेट की लाइन पे एक कैपेसिटर लगा है। तो क्या करेंगे हम, इसका कोड कॉपी करेंगे डबल क्लिक करके, और कंट्रोल सी से कोड कॉपी करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको लेआउट में जाके पेस्ट कर देंगे, लेआउट में यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जहां भी कैपेसिटर लगा है हमारे सामने आ जाएगा, यहाँ लगा है कि कैपेसिटर, ठीक है, और ये है हमारा शायद के सीपीयू, हाँ ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है ये। अगर हम इसको बोर्ड में देखें तो रजिस्टर है, फिर कैपेसिटर है, और फिर कैपेसिटर है। तो इसको अगर हम बोर्ड में देखें यहाँ पे, तो शील्ड हटानी पड़ेगी मुझे, तो शील्ड हटा देते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए इस तरह से हमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है, स्टेप बाय स्टेप। हमने सबसे पहले बैटरी का जीआर चेक किया, वहाँ पे उसकी ग्राउंड रीडिंग चेक की, उसके बाद में वोल्टेज चेक किए, बीपीएच चेक किया, और उसके बाद में बक वोल्टेज चेक किए, तो फॉल्ट हमारे सामने आ गया कि कहीं ना कहीं इसमें क्या है, फ्लक्चुएशन है और शॉर्टिंग है। तो ये हमारा सीपीयू रहा, और सीपीयू के पास में हमारा जो कैपेसिटर है, कौन सा है, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ है, ये है,
यहाँ पे है हमारा एक दो, ये वाला कैपेसिटर है, ठीक है, ये वाला कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर पे हम क्या है अपना 1.8 वोल्टेज चेक कर सकते हैं, 1.8 वोल्टेज चेक कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं। ओके तो चलिए चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे भाई, इसके लिए हम इसको हमें लगाना पड़ेगा फिर से बोर्ड में, ठीक है। आप खाली बैटरी लगा के पावर की शॉर्ट करके भी चेक कर सकते हैं, बोर्ड में लगा के, चार्जर लगा के, और फिर हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। ओके इसको चेक करने की कोशिश करते हैं कहाँ पे है, वेलकम, ये रहा हमारा, और ये रहा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और मैं, ठीक है, यहाँ पे है। तो ये हमें चेक करना अपना पीएस होल्ड चेक करना है, जो हमारा पावर आईसी से निकलता है, सॉरी पीएम पावर ऑन रीसेट चेक करना है, जो हमारा पावर आईसी से निकलता है, पीएम पावर ऑन रीसेट, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पे हमारा ये वाला कैपेसिटर है, ये वाला, एक दो तीन, ये वाला। तो ये नहीं निकल रही, देखिए ये नहीं निकल रही है, क्यों नहीं निकल रहा है पीएम पावर ऑन रीसेट? ये इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि भाई बक वोल्टेज ही नहीं बन पा रहे हैं। देखिए कितना हल्का रीडिंग ले रहा है, नहीं निकल पा रहा है, निकल गया भी नहीं। मैंने पहले बताया था चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे क्या है, बक लाइंस में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है या एलडीओ में, तो ये नहीं निकलेगा। ओके तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बारीक नज़र से मल्टीमीटर से हर जगह शॉर्टिंग चेक करेंगे, अगर फिर भी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे भाई, रोजिन लगाएंगे पूरे फोन पे और उससे चेक करेंगे करंट देके, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि शॉर्टिंग है हमारी कहाँ, बीपीएस में तो शॉर्टिंग नहीं है, ओके, हमारी बीवैट में शॉर्टिंग नहीं है, ओके, हमारी बीबस में शॉर्टिंग नहीं है, ओके, शॉर्टिंग है हमारी सीपीयू की लाइन में, ओके, यानी कि एलडीओ लाइन में या बक लाइन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना सीपीयू के आसपास में शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, सीपीयू के आसपास में जो इतने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं इन सब पे शॉर्टिंग चेक कर लेंगे एक मरतबा, एक प्रॉप ग्राउंड कर देंगे, शॉर्टिंग चेक कर लेंगे सामने। ओके ओके है, ओके है, ओके है, ओके है, ओके है, यहाँ भी ओके है, यहाँ भी ओके है, ये भी ओके है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं, कोई शॉर्टिंग नहीं, कोई शॉर्टिंग नहीं, कोई शॉर्टिंग नहीं, यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है। हर जगह बारीकी से चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन जो है आपकी सीपीयू और पावर की लाइन है। थर्ड सेकेंडरी लाइन है, ये सेकेंडरी लाइन बोल सकते हैं, ओके। तो इधर तो हमें ये छोटे छोटे कैपेसिटर वगैरह चेक करना, तो यहाँ कहीं शॉर्टिंग नहीं है, सीपीयू के एमएमसी के पास में कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है। पावर की तरफ बढ़िया तरीके से चेक करेंगे, फिर भी नहीं होती है तो एक काम करेंगे, रोजिन लगाएंगे, चार्जर भी लगाएंगे, पावर की भी प्रेस करेंगे, दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे, ठीक है। हो सकता है हमारा सीपीयू शॉर्ट हो या कोई कंपोनेंट या कॉइल, ये सारे ओके हैं, ये सारे क्या हैं, ओके हैं, यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है। एक एक चीज़ को आपको चेक करना है, एक एक चीज़ को, कॉइल भी शॉर्ट हो सकती है, जरूरी नहीं है,
बीपीएच है तो कोई मतलब ही नहीं हमारा। ये बड़े बड़े कैपेसिटर, ये बक लाइन कैपेसिटर होते हैं, ये जो ये इस तरह का एक चीज आपको मैं बताऊं, इस तरह का ये कैपेसिटर का जो झुंड होता है ना, कैपेसिटर का झुंड, ये सारे के सारे सीपीयू की लाइन में लगे होते हैं। एक बार याद रखिएगा, बक लाइन में लगे होते हैं, ठीक है ना, एसएमपीएस की लाइन में। तो इनमें आपको चेक करना पड़ेगा एक एक करके सबको। ये शॉर्ट हो रहा है, ये शॉर्ट हो रहा है, ये दोनों साइड शॉर्ट हो रहा है, देखिए ये भी शॉर्ट हो रहा है, ये भी शॉर्ट हो रहा है, ये भी शॉर्ट हो रहा है, देखिए। अब यहाँ पे हम क्या है, ओके ओके, यहाँ भी शॉर्ट हो रहा है, ये भी शॉर्ट हो रहा है। अब बक कैपेसिटर अगर दोनों साइड बीप कर रहा है, जरूरी नहीं है खराब हो, उसकी पहचान ये है कि आपका जो है एक साइड से 20, कम से कम 20 रीडिंग से ऊपर आना चाहिए, समझ रहे हैं आप। इससे नीचे आएगा तो आपका जो है वो शॉर्ट माना जाएगा। लेकिन इतने सारे कैपेसिटर यहाँ पे बीप कर रहे हैं, इतने सारे कैपेसिटर्स बीप कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैपेसिटर्स बीप कर रहे हैं आपके, तो क्या करेंगे। कोई एक कैपेसिटर पकड़ते हैं, उसकी लाइन ढूंढते हैं कि आखिरकार कौन सी लाइन है, बड़े बड़े भी चेक कर लेते हैं। ये भी दोनों साइड बीप कर रहे हैं, ये भी शॉर्ट दिखा रहे हैं, ये भी, ये भी, ये भी, इधर नहीं है, इधर बहुत सारे दिखा रहे हैं, क्योंकि इधर बक कैपेसिटर लगे रहते हैं बहुत सारे, ये सारे बक कैपेसिटर हैं, और यहाँ पे भी ये सारे शॉर्ट दिखा रहे हैं। तो चलिए स्मैटिक से कंफर्म करते हैं कौन सी लाइन है, क्या है, उसके बाद में काम करेंगे, कभी भी तोड़ा ताड़ी नहीं करनी है। तो यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, कहाँ पे हैं, ये रहे, ये इतने सारे कैपेसिटर हैं, इनमें बहुत सारे कैपेसिटर बीप कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े अगर हम देखें तो ये वाले भी बीप कर रहे हैं। तो कंट्रोल सी से कोड कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कोड कॉपी करेंगे, और कोड कॉपी करने के बाद स्मैटिक में पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। ओ हो, ये तो आपकी बक लाइन है, सीपीयू में जा रही है बीडीडी, ये आपका सीपीयू है U101G, ये आपका सीपीयू है बीडीडी, बीडीडी कोर वोल्टेज, कोर वोल्टेज ये आपके CDC वोल्टेज, कोडैक के मॉडम वोल्टेज, ये सारे के सारे आ रहे हैं यहाँ पे। ये यानी कि बक लाइन है, ये क्या है आपकी, बक लाइन है, बक वोल्टेज है, बक लाइन शॉर्ट है आपकी। अब इसमें लगे हुए ये कंपोनेंट जहां जहां जाएंगे, इसको बिड मैप से देखते हैं। तो बिड मैप से अगर हम देखें तो बिड मैप से इसको देखते हैं, चलिए कोई इशू नहीं है, इसको बड़ा कर लेते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करने के बाद में इसको अब हम चेक करते हैं कि आखिरकार कहाँ है कहाँ नहीं है। तो बहुत सारे कैपेसिटर हैं यहाँ, देखिए एक मरतबा मैं चेक कर लेता हूँ, ये थे और लेआउट में ये वाले थे, तो इसका मतलब वहीं पता, इनमें से कोई सा भी क्लिक करते हैं। तो इतने सारे ये कैपेसिटर लगे हैं, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, देखिए कितने सारे हैं, और यहाँ से सीपीयू भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अब देखिए जब बक लाइन आपकी शॉर्ट है तो इसमें कितनी चीजें शॉर्ट हो सकती हैं, इसमें कितनी चीजें आपकी शॉर्ट हो सकती हैं, तो कई चीजें शॉर्ट हो सकती हैं आपकी, बक क्वाइल्स भी शॉर्ट हो सकती हैं, लाइंस भी शॉर्ट हो सकती है। यहाँ देखिए ये दोनों क्वाइल्स जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो इन क्वाइल्स तो शॉर्ट नहीं है, हालांकि बीप कर रही है ये, तो हो सकती है पॉसिबल है आपके पास जो फोन उसमें हो, और यहाँ से बक कैपेसिटर लगे हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है, इतने सारे यहाँ लगे हैं, इनमें से कोई हो सकता है, और आपके सीपीयू से कनेक्ट है, तो सीपीयू भी क्या है, शॉर्ट हो सकता है। ओके, अब फाइंड कैसे करना है, कैसे फाइंडिंग करनी है कि शॉर्ट कौन है, क्या सीपीयू निकाल दें पहले, क्या तरीका है इसका, ये हमने फॉल्ट देख लिया, अब तरीका क्या है, सीपीयू निकाल दें, या इतने सारे कैपेसिटर्स हैं, ये सारे कैपेसिटर निकाल के एक करके चेक करें,
या फिर क्वाइल्स निकाल दें। हाँ, हमारे पास अगर ऐसा फॉल्ट आता है जिसकी बक लाइन वगैरह शॉर्ट है, तो कंफर्म करने के लिए अब अगर हम ये क्वाइल्स देखें तो ये दोनों क्वाइल्स बीप करती होंगी। क्यों? क्योंकि क्या है, यहीं पे फॉल्ट है। अब हम इसको देखें स्मैटिक से, अगर तो अब हम कैसे कंफर्म करें कि फॉल्ट जो है वो इस क्वाइल्स के अंदर है, या इतने सारे बक कैपेसिटर लगे हैं इनके अंदर है, या फिर पावर आईसी के अंदर है, या फिर सीपीयू के अंदर है। ओके, तीनों जगह हमें बीप मिलेगी। चलिए एक मरतबा मल्टीमीटर से चेक करते हैं। ये रही हमारी क्वाइल्स। ओके, मल्टीमीटर को लगा देते हैं हम अपना। सही लगा हुआ है हमारा, बीप रेंज पे है। एक प्रॉप ग्राउंड करते हैं, चेक करते हैं, बीप मिल रहा है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, इस क्वाइल पे मिलेंगे, दोनों क्वाइंट ज्वाइंट है, यहाँ पे बीप मिल रहा है। ओके, अब इन कैपेसिटर पे भी बीप मिलेगा, क्वाइल पे भी, दोनों साइड बीप मिलेगा, इधर भी और इधर भी बीप मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, बीप मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी बीप मिलेगा, मिलना ही चाहिए क्योंकि लाइन एक ही है, जाहिर सी बात है। अब एक ही लाइन है, अब कैसे कंफर्म करना है कि क्वाइल आपकी शॉर्ट खराब हुई है, ठीक है, तो शॉर्ट होती ही है, अंदर से जुड़ी होती है, क्वाइल आपकी डैमेज हो गई है इसलिए बीप कर रही है, या कैपेसिटर है, या पावर आईसी है, या फिर आपका सीपीयू है, ये कैसे कंफर्म करना है, ये चीज मैन है कि आपको पहले किसको निकालना है, कैसे चेक करना है कि फॉल्ट कहाँ है। अब ये एक बक लाइन है, ये क्या है, एक बक लाइन है, और बक लाइन पे वोल्टेज बहुत ही कम चलते हैं, 0.8 वोल्टेज, 0.9 वोल्टेज, 1 वोल्टेज, बस ऐसे चलता है, ठीक है। तो इस लाइन पे आप ज्यादा वोल्टेज नहीं डाल सकते। इसका सिंपल ही तरीका ये है, ना पावर आईसी निकालें, ना सीपीयू निकालें, बल्कि क्या करें, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, बीपीएच वाली में सीरीज में लगी हुई क्वाइल्स उठा लें, सीरीज में लगी हुई क्वाइल्स को बाहर निकाल लें। ओके, सीरीज में लगी हुई क्वाइल्स को हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अच्छा क्यों निकालेंगे, क्योंकि एक साइड कनेक्ट है ये पावर आईसी से, और एक साइड कनेक्ट है ये इधर कैपेसिटर से और सीपीयू से। इनको निकालने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि शॉर्टिंग इस वाली साइड है या फिर शॉर्टिंग इस वाली साइड है। ओके, तो इन दोनों को निकालेंगे बाहर, ठीक है। एक को निकालने पर शॉर्टिंग चली जाती तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों को ही बाहर निकाल देंगे। ओके, दोनों को बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे कि शॉर्टिंग किस साइड है, ठीक है। तो चलिए क्वाइल्स निकालते हैं फटाफट, फिर आगे देखते हैं। थोड़ा सा फ्लैक्स लगा लेंगे, फ्लैक्स पेस्ट, इससे क्या है जल्दी निकल जाएंगे। ओके, और दोनों कॉइल्स को क्या है उठा लें। मल्टीमीटर हटा देते हैं। तो अब ये दोनों क्वाइल्स हमने बाहर निकाल ली। ओके, ऐसे ही डायरेक्टली वोल्टेज नहीं डाल सकते। अगर ऐसे ही डायरेक्टली वोल्टेज डाल देंगे तो होगा क्या, हमारा जो है पावर आईसी अगर शॉर्ट नहीं है तो शॉर्ट हो जाएगी, सीपीयू शॉर्ट नहीं है तो शॉर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही वोल्टेज नहीं डालने हैं कभी भी, पहले क्या है क्लियर करना है कि शॉर्टिंग किस साइड है, ठीक है। तो चलिए इसको ठंडा कर लेते हैं, ये ठंडा हो रहा है जब तक मैं वीडियो रोक देता हूँ। ओके, बहुत लंबी वीडियो हो रही है, ठीक है। तो ठंडा हो गया बोर्ड हमारा,
अब क्या करते हैं अपना, हाँ भाई ये रहे, ठीक है तो चेक करते हैं जरा। शॉर्टिंग चेक करते हैं किस साइड है, एक प्रॉप को ग्राउंड कर देते हैं। इस साइड नहीं है, बाहर वाली साइड शॉर्टिंग है, इस वाली साइड नहीं है, बाहर वाली साइड है, बाहर वाली साइड शॉर्टिंग है। इस साइड हमें जीआर मिल जाएगा, इसका मतलब पावर आईसी की साइड हमें जीआर मिल जाएगा। तो देखिए एकदम ओके जीआर मिल रहा है हमें पावर आईसी की साइड, देखिए यानी कि हमारी पावर आईसी की साइड पूरी ओके है, यानी पावर आईसी हमारी एकदम से ओके है, कोई भी इशू नहीं पावर आईसी में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर वोल्टेज बना रही है पावर आईसी, इसका मतलब पावर आईसी में कोई भी इशू नहीं है। बस एक प्रैक्टिकल के तौर पे आपको दिखाना था, इसलिए क्या है मैंने ये करके दिखाया आपको, वरना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें इशू नहीं हो सकता, क्योंकि ये वोल्टेज बना रही है। जब ये वोल्टेज बना रही है तो इसमें कोई इशू नहीं है, ओके। तो आपने देखा कि यहाँ पे इसकी साइड का जो जीआर है एकदम से ओके है, एकदम से ओके है, और शॉर्टिंग मिल रही है हमें इस वाली साइड, यानी बाहर वाली जो साइड है हमारी, वहां पे हमें क्या मिल रही है, शॉर्टिंग। देखिए यहाँ बीप मिल रहा है, यहाँ ही बीप मिल रहा है, यानी कि बाहर वाली साइड में शॉर्टिंग है। अब क्या रहा, अब ये कंफर्म, एक चीज तो कंफर्म हो गई वो ये कि हमारी ये वाली साइड जो है पावर आईसी वाली एकदम से ओके है। अब दो चीजें बची, या तो शॉर्टिंग है हमारे सीपीयू में, सीपीयू शॉर्ट है, और या फिर शॉर्टिंग है हमारे इतने सारे लगे हुए कैपेसिटर, इनमें से किसी कैपेसिटर में, एक कैपेसिटर में, दो में, चार में, किसी में भी, ठीक है। तो अब कैसे, क्या हम सीपीयू निकाल दें, हमने पावर आईसी तो निकाली नहीं, ऐसे ही फाइंड कर लिया, तो कोई ऐसी ट्रिक है कि सीपीयू को बगैर निकाले हम फाइंड आउट कर लें इस चीज को कि शॉर्टिंग सीपीयू में है या कंपोनेंट में? तो जवाब होगा हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं। हम क्या करेंगे, इस लाइन पे देखेंगे कितना वोल्टेज चलता है, इस लाइन पे कितना वोल्टेज चलता है ये चेक करेंगे, चलिए। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्मैटिक में, और स्मैटिक में हम आ गए तो यहाँ पे हमें नजर आ जाएगा हर लाइन का वोल्टेज। तो ये लाइन है हमारी, ये शॉर्ट है, इसमें लगे हुए ये सारे कैपेसिटर जितने भी लगे हैं ये सारे शॉर्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। ये लगे हुए हैं आपके 22 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड, और यहाँ पे 1 माइक्रोफेराड, यहाँ पे 100 नैनोफेराड, और यहाँ पे 100 नैनोफेराड, इतने सारे कैपेसिटर लगे हैं, और भी लगे होंगे आगे लाइंस में। ये हमारी वीरेज S1 लाइन है, ये एक ही लाइन है S1, ठीक है। इसमें दो कॉयल इस्तेमाल की गई हैं, और यहाँ वोल्टेज की बात करें तो 0.8 वोल्टेज लाइन में चलता है, कितना, 0.8 वोल्टेज। अब हम कैसे निकालेंगे इसकी शॉर्टिंग, ये ट्रिक देखिए, ये जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी तरीके से निकालेंगे, जिस तरीके से हमने पावर आईसी नहीं निकाली और ये क्लियर कर लिया कि इस साइड शॉर्टिंग नहीं है, ऐसे ही हम इधर भी कर सकते हैं बगैर सीपीयू को निकाले। कैसे करेंगे, ये कंफर्म हो गया, ये क्या है, कंफर्म हो गया कि इस वाली साइड में शॉर्टिंग है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रोजिन लगाएंगे, इतने सारे यहाँ कंपोनेंट हैं, इन सब पे क्या लगाएंगे, रोजिन अप्लाई करेंगे, ठीक है। रोजिन अप्लाई करने के बाद में मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, सारा का सारा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ताकि कोई भी डाउट ना रहे, कुछ भी ना रहे, एकदम से सब कंफर्म हो जाए, ओके। तो पहले हम रोजिन लगाते हैं, फैन वगैरह आपका खुला हो तो बंद कर दीजिएगा, एसी वगैरह चलती हो तो उसको भी बंद कर दें, क्योंकि हीटिंग अगर बोर्ड को मिलेगी तो वो जल्दी नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, इधर तो नहीं हमारी, क्या है, यहाँ पे है, तो हम आ जाते हैं अपने कैमरे पे, बोर्ड में आ जाते हैं, और यहाँ पे अगर देखें हम तो स्टॉप हो गई क्या, तो यहाँ पे हम रोजिन लगाते हैं जरा, ये कॉइल ऊपर वाले कैमरे में कोई इशू है, एक जगह रुक गया है ये, इसको मैं फिर से चालू करने की कोशिश करता हूँ जरा। ये सही है, स्टॉप कहाँ से हुआ है, डिस्कनेक्ट,
हाँ सारा सही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, लंबा हो रहा है वीडियो बहुत, इसलिए ओ हमारा रिकॉर्डिंग का इशू बंद हो गया है। तो यहाँ पे हमें वीडियो रोकना पड़ेगी। तो आपको जो है अब ऊपर वाले कैमरे में प्रॉब्लम है, तो कोई इशू नहीं है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप डायरेक्टली यहाँ देखिए, डायरेक्टली यहाँ बोर्ड में, ठीक है। मैंने काफ़ी जूम कर दिया है, तो फिलहाल रोजिन लगाना है। लग गया, तो पहले इस साइड रोजन लगा देंगे, फिर सीपीयू पे भी लगाएंगे, क्योंकि तो हो सकता है हमारा क्या है सीपीयू भी डेड हो। ठीक है, हमने अपने सीपीयू पे भी रोजन लगा दिया है। और इधर बात करें तो इधर हमने जहाँ जहाँ हमारे बक कैपेसिटर लगे हैं सब में हमने रोजिन लगा दिया। ओके, अब क्या करना है, अब करना क्या है, अब देखिए रोजिन लगा दिया। रोजिन लगाने के बाद अब हमें जो करना है वो ये है कि अपनी डीसी मशीन, डीसी सप्लाई मशीन, शॉर्ट क्लियर का इस्तेमाल नहीं करेंगे इन लाइनों पे, वरना सीपीयू चला जाएगा आपका काम से, ठीक है। सीपीयू खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। डीसी मशीन को ऑन करें, डीसी मशीन को ऑन किया और वोल्टेज कितना देना है भाई, वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा कम कर दें। इस लाइन का वोल्टेज था 0.8 वोल्टेज, तो 0.8 वोल्टेज रखेंगे इसमें हम, 0.8 मतलब डीसी मशीन का 0.80 बोल सकते हैं, ठीक है, 0.8 वोल्टेज। और एम्पियर जो है यहाँ पे, तो एम्पियर हम रखेंगे, इस लाइन पे हाई एम्पियर चलता है तो कोई इशू नहीं है, हम एम्पियर रख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं 3 एम्पियर से, ठीक है। हालांकि एम्पियर हाई चलता है लेकिन तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ओके, तो क्या हमने वोल्ट जो जो वोल्टेज सेट किया है वो कितना है, 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट इस लाइन पे चलता है, तो 0.8 वोल्ट ही हमने क्या है यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। 0.8 0.9 वोल्ट कर सकते हैं, और एम्पियर हमने 3 सेट किए इसलिए क्योंकि यहाँ हाई एम्पियर चलता है, तो एम्पियर का कोई इशू नहीं है। तो हम धीरे धीरे एम्पियर भी बढ़ाएंगे, ठीक है। आप 4 एम्पियर तक कर सकते हैं, 5 एम्पियर तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 3 एम्पियर सेट किया है, अब हम क्या करेंगे, अपने ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड कर दिया, यहाँ कर देते हैं ग्राउंड, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब रेड प्रॉप को लगाएंगे हम इस पर और देखेंगे कि कुछ होता है या नहीं। नहीं हो रहा है, फिर देखेंगे, नहीं हो रहा। अब बढ़ा लेंगे, एम्पियर 5 कर देंगे पूरा, क्या कर देंगे 5 एम्पियर कर देंगे पूरा, क्योंकि एम्पियर हाई चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वोल्टेज आप ज्यादा बढ़ाएंगे तब दिक्कत आएगी। हमने 5 एम्पियर कर दिया है, वोल्टेज वही है हमारा, ग्राउंड कर देते हैं और फिर लगाएंगे। ओके ओके, तो हमें क्या है, लगाए नहीं रहना है, लगाए के रखना नहीं है, लगाना और हटाना है, ठीक है। 2-4-6 बार ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कैपेसिटर से रोजिन मेल्ट होता हुआ, देखिए मेल्ट हो गया, काफी हद तक मेल्ट हो गया। अगर मैं ज्यादा बढ़ा दूं वोल्टेज तो अभी आपके सामने आ जाएगा, देखिए एक कैपेसिटर से रोजिन मेल्ट हो गया है।
एक कैपेसिटर से रोजेन मेल्ट हो गया है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये कैपेसिटर से रोजेन मेल्ट हो गया तो मेरा काम हो गया, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। और भी शॉर्टिंग हो सकती है, हो सकता है इसमें काफी कुछ शॉर्ट हुआ हो, तो क्या करेंगे भाई। अब चूंकि रोजेन मेल्ट हुआ है इस कैपेसिटर से, तो इसी को पहले निकालेंगे, ओके, और फिर शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं काम को। प्रॉब्लम हो रही है, नहीं खुल रहा है, हालांकि रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे ख्याल में। अब वो कंफर्म कर लेता, चलिए बाद में देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देख ही लेते हैं पहले, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो फिर मामला खराब हो जाएगा, बोर न्यू पे आ जाता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं यार सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपको दिखाई दूँ एक ही वीडियो में, ठीक है। अब इसको जो कंपोनेंट से रोजिन मेल्ट हुआ था उसको निकाल लेते हैं फटाफट तेजी से। ये कैपेसिटर हमने निकाल लिया है, बोर्ड को जल्दी से ठंडा करते हैं। ठीक है, अब एक मरतबा चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओह बकलाइंस, ये रहा मल्टीमीटर, थोड़े से काम चला लीजिएगा क्योंकि बंद हो चुका है, इसलिए आपको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा शॉर्टिंग यहाँ, ठीक है। तो हम चेक करते हैं शॉर्टिंग बाहर वाली साइड में थी इस टाइम, यार ये तो अब भी है, नहीं है, कहीं और टच हो रहा है क्या? ओ, ये बोर्ड हीट है, हीट होने की वजह से क्या है शॉर्टिंग शो कर रहा है, ठीक है। अभी और इसको ठंडा कर लेते हैं, अब नहीं है। कैपेसिटर्स पे चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बक लाइंस पे अगर बीप आ रही है तो जी आर हमें ओके मिल रहा है, ठीक है। मैंने बताया था बक लाइन में बीप आ रही है तो कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल में, तो 400 जी आर मिल रहा है साहब,
एकदम से ओके है, बक लाइन में बीप आती है, जैसे कि मैंने बताया था पिछले बेसिक क्लासेस में भी आपको पढ़ाया था, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले जो कंडीशन थी वो ये थी कि कोई भी जीआर नहीं मिल रहा था, ठीक है। अभी जीआर मिल रहा है और अभी जो है शॉर्टिंग भी निकल गई है और सीपीयू से हमारा मेल तो हुआ था, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो एक मरतबा हम जो हमारी क्वाइल्स जो हमने निकाली हैं उनको लगाएंगे, बोर्ड को ठंडा करेंगे और ऑन करके देखेंगे कि ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्वाइल्स को सही तरीके से बिठा दें, दरअसल ऊपर कैमरा लगा होता तो मेरा हाथ नहीं चल पाता यहाँ। क्वाइल्स टेढ़ी है, अब लग गई है। तो दोनों कॉइल्स क्या है लग गई। देखिए वीडियो मैं एडिट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने बंद कर दिया एडिट करना वीडियो, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो बनता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि वीडियो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँ और फिर उसके बाद मैं उसको एडिट करूँ, फिर उसके बाद मैं उसको डिज़ाइनिंग बनाऊँ, टिप टाप करूँ। फिर अब भाई जिसको सीखना होगा, जिसको ज़रूरत होगी वो खुद सीखेगा, ठीक है। जब मैं इतनी मेहनत करके आपको सिखा रहा हूँ, फ्री में एक प्रैक्टिकली वीडियो दे रहा हूँ, अगर मैं इसको ऐसे ही बताता बगैर प्रैक्टिकल के तो 5 से 7 मिनट में सारा बता देता, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, खुद कर सकें। जाहिर सी बात है जो सीखने का जज्बा रखता होगा, सीखने की एक ख्वाहिश होगी, तो वो क्या है इन प्रैक्टिकली वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकता है। तो चलिए कोई इशू नहीं है, तो चेक कर सकते हैं इसको, थोड़ा ठंडा हो जाए। अरे बहुत गर्म बोर्ड है, बोर्ड जब ठंड जब तक ठंडा ना हो जब तक क्या है छेड़छाड़ ना करें, ओके। हम इतनी मेहनत करके आपको वीडियो बना के देते हैं यार, तो आपका कम से कम हक बनता है कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम नोटिफिकेशन को तो ऑन कर लें। ज़्यादा ना कर सकें तो वीडियो तो शेयर कर ही दो यार, एक कमेंट तो कर ही सकते हो यार। इतनी मेहनत करके वीडियो देते हैं बना के प्रैक्टिकली, और आज का वीडियो तो ख़ास तौर पर मैंने अपने स्टूडेंट के लिए बनाया है और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, कि वो सीखें इससे कि कैसे एक सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग को निकाला जाता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट को फाइंड किया जाता है, कैसे काम करना होता है डेड फोन पे, ओके। काफी हद तक ये ठंडा हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको बोर्ड में लगाते हैं। और बक वोल्टेज की कंडीशन चेक करते हैं कि अब भी वैसे ही है या कुछ चेंजिंग आई है, या जो ऑन होगा या नहीं होगा। देखिए बक लाइंस पे आपको बीप मिलता है, मैंने आपको बेसिक क्लासेस जो हमारे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनको मैंने बड़ा बताया था, बक कैपेसिटर वगैरह पे आपको बीप मिलेगी, लेकिन मैंने पहचान बताई है उनमें कि कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है कौन सा शॉर्ट नहीं है, या आप कैसे पहचानेंगे, मैंने पूरी पहचान बताई है, ठीक है।
फोन तो ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन हीट हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हीट होने का मतलब समझते हैं। बहुत ज़्यादा हीट होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग जो आपकी इस लाइन में थी वो आपकी क्या है सीपीयू में भी पहुंच चुकी है मेरे ख्याल में। फिर भी हम क्या करेंगे, अब अपने बक वोल्टेज को चेक करेंगे, बक वोल्टेज को चेक करेंगे। चार्जर लगा दिया है हमने और ये रहा आपका मल्टीमीटर। ठीक है, और इसको हम लगा देते हैं 20 वोल्ट डीसी पे। 20 वोल्ट डीसी हमने लगा दिया। हाँ, ज़रा चेक करते हैं बक वोल्टेज। डैड फोन को स्टेप बाय स्टेप बनाना होता है, देखो कोई आसान काम नहीं डैड फोन बनाना। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आपके लिए सारा मुश्किल है, सीखेंगे तभी आसान बन पाएगा। बोर्ड बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है बोर्ड आपका, इसका मतलब कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, वोल्टेज क्या है नहीं बन रहे हैं, इसका सीपीयू भी शॉर्ट है, सीपीयू भी इसका क्या है शॉर्ट है। ठीक है, अगर इसका सीपीयू शॉर्ट है, आपको इसका कंफर्मेशन चाहिए तो यही है कि हमने जब शॉर्टिंग निकाल दी है कंपोनेंट्स की तो उसके बाद क्या मेल्ट हो रहा है रोजिन सीपीयू का, तो सीपीयू भी शॉर्ट है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करना पड़ेगा, फोन तब ऑन होगा। ओके, अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका पार्ट टू बता दूंगा। फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा क्या क्या है, इस वीडियो में हमने सीखा है डैड फोन को कैसे फाइंड आउट करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, कैसे पहचानना है कहाँ शॉर्टिंग है, अगर सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है सीपीयू की बक लाइन वगैरह शॉर्ट है तो कैसे जानेंगे हम, कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे शॉर्टिंग है, सीपीयू शॉर्ट है, कंपोनेंट शॉर्ट है या आपकी पावर आईसी शॉर्ट है, ये सारा का सारा। ओके, तो इस तरीके से हमें काम करना होता है और सेम वोल्टेज हमें क्या डालने होते हैं आपकी लाइंस के ऊपर। तो अगर आपका इसको इसका पार्ट टू चाहिए आपको, ठीक है, तो मैं आपको दे दूंगा, ये काफ़ी टाइम हो गया इसलिए ये भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर एडवांस सीखना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन करिएगा। ओके, हम बहुत कम फीस में एडवांस कोर्स कराते हैं पूरा प्रैक्टिकल।